नागपुर नगर निगम के गांधीबाग अंचल की महिला कर्मचारियों ने मंगलवार को आत्मरक्षा का पाठ लिया। मिशन एसएससी की सुनीता मोड़ेकर ने संकट की घड़ी में क्षेत्र की महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न गुर बताकर उन्हें प्रशिक्षित किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन राजे रघुजी भोसले नगर भवन में किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मनीषा धवड़े, गांधीबाग जोन की चेयरपर्सन श्रद्धा पाठक, पार्षद नेहा वाघमारे, पार्षद सरला नायक, सुंगी डांडिंगे, पश्चिम नागपुर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रमुख मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन गांधीबाग अंचल की अध्यक्ष श्रद्धा पाठक की पहल पर किया गया। इस समय उप महापौर मनीषा धवड़े ने कहा, समाचार पत्रों और समाचार चैनलों पर महिलाओं या लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की रोजाना खबरें आती हैं। आज महिलाओं को शिक्षित, आर्थिक रूप से सशक्त और अपनी रक्षा के लिए सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाएं समय पर अपने पास मौजूद छोटी छोटी वस्तुओं और सामग्रियों से भी अपनी रक्षा कर सकती हैं। उन्होंने मिशन साहसी की सुनीता मोनेकर को उन्हें प्रशिक्षण देने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद दिया। परिचय में गांधीबाग अंचल की अध्यक्ष श्रद्धा पाठक ने कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका के बारे में बताया। परिवार और ऑफिस में काम के तनाव के कारण महिलाएं अपने लिए समय नहीं दे पाती हैं। यदि वे अनजाने में किसी घटना में शामिल हैं तो उन्हें सक्षम रूप से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बिना किसी उत्पीड़न और भय के स्वतंत्र रूप से जीने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सुनीता मोड़ेकर ने गांधीबाग अंचल में महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए कई गुर बताए। काम से घर जाते समय सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना या कई जगहों पर महिलाओं को कुछ अवसरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इन परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना चाहिए। उन्होंने सुनसान सड़कों से गुजरने की बजाय रात में व्यस्त सड़कों का इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी। अगर आप या अन्य लड़कियां महिलाओं को गाली देती नजर आती हैं तो तुरंत उनकी मदद के लिए जाएं। उन्होंने महिलाओं को एक प्रदर्शन भी दिया है कि अगर आपके हाथ में हथियार नहीं है तो भी आपके हाथ में एक पेन, एक पहचान पत्र और एक बंदूक हो सकती है। उन्होंने घर की लड़कियों, महिलाओं और दोस्तों से अपील की कि उन्हें सुरक्षा के गुर बताएं। आज गांधीबाग जोन मध्ये ज्या महिला प्रशासनाच्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काम करतात, 12-12 तास काम होतं त्यांचं, सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत सतत काम करत असतात, तर त्यांना कुठेतरी रिलॅक्सेशन मिळावं या दृष्टीने आणि रोज धकाधकीच्या जीवनात स्वतःची सुरक्षा कशा पद्धतीने करावी या दृष्टीने आज नवरात्राच्या या शुभपर्वावर गांधीबाग झोनमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचं एकत्रीकरण करण्यात आलं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।